चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में शुरू करते हैं सोनाली का 750। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो गया, इसका गियर फंस रहा है, देख सकते हैं। तो जैसे ही हमने इसको चेक किया खोल के, यहाँ से तो बिल्कुल सेट है। और इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ गई है, जब हमने इसको खोल के देखा तो ये वाली साइड, जैसे कि देख सकते हैं आप, इसके अंदर के यहाँ पे जो नट ऐसे लगता है घूमकर, तो इसकी चूड़ी स्लिप हो चुकी है, देख सकते हैं अंदर चूड़ी मर चुकी है। ऐसे ऐसे फिक्स करते हैं, इसको घुमाते हैं, तो इस वजह से नीचे निकल जाता था, जिस वजह से इसमें प्रॉब्लम आ गई है गियर फंसने की, और इसका गियर बंद हो जाते हैं लगने। ठीक है, अभी कुछ इसका जुगाड़ करते हैं। सोनाली का 750 ट्रैक्टर है और बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी भी जैसे इसका गियर फंस जाए, सबसे पहले अगर प्रॉब्लम आती है, इस गियर लीवर के अंदर छोटे छोटे कट होते हैं, वो भी अगर इसको खोलेंगे तो दिखाएंगे। इसको हमने पहले ही खोल दिया था क्योंकि इसमें कोई फॉल्ट नहीं है गियर लीवर में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अभी इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, बिल्कुल ठीक है। इस तरह का नट है इसका, जो हमने अभी रिपेयरिंग के लिए न्यू मंगाया है, देख सकते हैं इसकी बिल्कुल चूड़ी ख़त्म हो चुकी है अंदर, जहाँ पे टाइट होता है ये देख सकते हैं। तो अभी इसके अंदर यहाँ पे नट लगेगा, जिस वजह से ये स्लिप कर रहा है बार बार। जैसे ही हम गियर को इस साइड नीचे की साइड करते हैं तो ये निकल जाता है गियर। अभी इसकी फिटिंग करेंगे, जब इसका सामान आता है देखते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं, आपके काम आएगा, क्योंकि इसको खोलने के लिए पूरा टाइम लगेगा। पिछला हिस्सा करेंगे, अगर हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, इसको गियर सेलेक्टर बोलते हैं इसको हम, जैसे कि गियर सेलेक्टर होता है, सारा बाइकों वाला सिस्टम ही है होता है, जैसे ये गियर सेलेक्टर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हमने ये मंगवाया, इसका कितने का आया था भाई साहब, ये 30 रुपये का आया भाई। इसके इसके अंदर दो बोल्ट निकले हैं इस तरह से, ये ओरिजिनल पूरी सोनाली का की किट है। उसके बाद अभी इसकी देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल हमने सेट कर दिया है डाया, और इधर वेल्डिंग सेट शुरू करने जा रहे हैं। लगाओ भाई जल्दी जल्दी, फिर इसकी फिटिंग करते हैं, देखते हैं। ये दोस्तों, इस नट में थोड़ा सा फ़र्क है, छोटा बड़ा, एक बार ट्राई करके देखते हैं, इस तरह से ऐसे जाएगा इसके अंदर ही। ठीक है, तो कोशिश करते हैं, अगर चलता है तो ठीक है, फिर जुगाड़ करेंगे। तो इसके साथ का एक नट और हमें हमारे पास है, पर इसका थोड़ा साइज बिग है, देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ऊंचा आ जाएगा, देख टच हो जाएगा। पुश कर ले बस। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि अभी हम नया नट लाए थे, वो भी नहीं इसमें काम कर रहा, पुराने वाला ही इसकी फिटिंग देख सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन है। अब इसका कोई जुगाड़ नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ हम यहाँ पर वेल्डिंग से टच लगाएंगे, देख सकते हैं, क्योंकि जुगाड़ू काम तो हो ही रहा है, पर तो इसकी जैसे कि देख सकते हैं हम, नट की फिटिंग थोड़ी सही नहीं है। वो दे जब, तो दोस्तों इस खांचे के अंदर इसको देखिए, इसके अंदर फिट करेंगे बस, और कोई इलाज नहीं है इसका, जुगाड़ ही होएगा, वरना तो पूरा ट्रैक्टर खुल के ही इसकी सेटिंग आएगी। पुराने नट कोई वेल्डिंग से यहाँ पर सेट करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, इतनी फिटिंग आ चुकी है, बस इसकी अब वेल्डिंग करेंगे, कोई और इसका इलाज नहीं है। तो शुरू करते हैं मशीन। तो चलिए दोस्तों, अब सीधा काम बस इसी का है। बस ये तो ही गया, वो पेंच के सगड़ा छोड़ दे काम। चला दी, चल जी।
तो दोस्तों जैसा कि हमने देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसके ऊपर वेल्डिंग कर दी है और इसका कोई समाधान नहीं था हमारे हिसाब से, तो टाइम की बचत को देखते हुए अभी इधर से भी वेल्डिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं वेल्डिंग हो चुकी है कंप्लीट, अब इसको चला के देखते हैं। ठीक है दोस्तों थोड़ा ठंडा होने दे, काम हो चुका हमारा कंप्लीट, अब करते हैं इसकी फिटिंग। लगाओ भाई इसके ऊपर का ये लगाओ टप्पा। और चलो जी गियर टेस्टिंग देखते हैं अभी। ये एक स्प्रिंग टूटा है क्या? ढले पन्न पड़े बैक। तो चलिए दोस्तों इसका बैक गियर नहीं लग रहा था और ना फर्स्ट गियर लग रहा था, और अभी टोटली कंप्लीट हो चुका है काम हमारा RX चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। ओके रिपोर्ट है, आगे को करो फिर इसको वहीं ले जाओ। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल सेट हो चुका है, कर दो बंद। तो काम हो चुका है बिल्कुल फिट, बिल्कुल इजीली गियर डाल रहे हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट मैसेज करें, आपका दोस्त रिप्लाई जरूर करेगा।